नमस्कार साथियों, ये ज्ञानेश्वर सिंह जी थे जो ऑर्गेनाइज़र हैं, यात्रा को पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इनके साथ सॉलिसिटर जनरल जी हैं, एडिशन जनरल जी हैं जो इस यात्रा में शामिल हुए हैं, जो यात्रा कटक से लेकर के मणिपुर मोइरान तक निकली थी और आज ये यात्रा इंफाल तक पहुंची है, मणिपुर की राजधानी है। और यात्रा के जितने भी साथी थे सब यही किस प्रकार से बिगुल बजाया जा रहा है और नगाड़े से पूरा स्वागत किया जा रहा है इस यात्रा का, और किस प्रकार से सब यात्रियों में, सब साथियों में किस प्रकार का जोश है, उत्साह है, एक उमंग है, वो आप देख सकते हैं सीधे तौर पे। और सब साथी यहाँ पे तैयार हैं उस स्थान पर जाने के लिए, उस जगह पर जाने के लिए जहाँ पे नेताजी ने अपना तिरंगा झंडा फहराया था, जो आप अभी इन साथियों के हाथ में देख सकते हैं, जिसका रंग सैफरन वाइट और ग्रीन है। और उसके साथ ही अशोक चक्र की जगह पे चीते का निशान, एक चीते का साइन एक लगा हुआ है, जो दर्शाता है कि हम में साहस है, वीरता है, बहादुरी है, और एक स्फूर्ति है, और एक जोश है, उत्साह है, उमंग है, जिस प्रकार का एक चीते में होता है। ये आप देख सकते हैं पूरा नारों के साथ और जय घोष के नारे लगाए जा रहे हैं। एक चीज और साथियों, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, ये गौतम दास जी के नेतृत्व में ये यात्रा कटक से मणिपुर मोइरांग तक निकली है, जो इनकी प्रेरणा को दर्शाता है, इनके उत्साह, इनके जोश को दर्शाता है कि किस प्रकार से नेताजी के सपनों का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेकर के चले हैं, और किस प्रकार से ये प्रतिबद्ध हैं, बाध्य हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, कि नेताजी के जो सपने अधूरे रह गए थे उन सपनों को पूरा किया जाए, उस प्रकार से ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किस प्रकार से ये चेतना यात्रा एक जागृति फैलाने के लिए, जागृति समाज, सुख समाज को जगाने के लिए यात्रा निकाली गई है, जिसमें गौतम दास जी के नेतृत्व में पूरा बंगाल हम लोगों ने क्रॉस किया, वो चाहे कलकत्ता हो, पूरा दक्षिण से लेकर के उत्तर जो बंगाल है वो पूरा क्रॉस किया, उसके बाद असम की चाहे बात हो, असम में बहुत सारी मीटिंग्स हुई, पब्लिक मीटिंग हुई, और वहाँ पर जागृति चेतना का कार्यक्रम हुआ, समाज को जगाने का कार्यक्रम सब किया गया, गाँव गाँव में किया गया, शहर शहर में किया गया, और जितनी भी नेताजी की प्रतिमाएँ लगी थी, जितनी भी उनकी स्मृतियाँ थी, उन सबको दोबारा से याद किया गया, और नेताजी के सपनों का लोगों को स्मरण करवाया गया कि जो आज़ादी की, जिस आज़ादी की, जिस स्वतंत्रता की, जिस स्वाभिमान की, जिस स्वराज की, और जिस स्वतंत्रता की कल्पना नेताजी ने की थी, जो राजनीतिक स्वतंत्रता, जो राजनीतिक स्वराज, जो आर्थिक आज़ादी, जो सांस्कृतिक आज़ादी, जो सामाजिक आज़ादी हमारे समाज में, हमारे भारत को आज भी नहीं मिल पाई है, उसके बारे में लोगों से बातचीत की, उसके बारे में बताया गया सब साथियों को, सब लोगों को, कि किस प्रकार से नेताजी के सपनों को हमें पूरा करने का उत्तरदायित्व हमें मिला है, और ये हम अपना कर्तव्य समझते हैं और अपनी निष्ठा से ऐसा पूरा करना है। तो साथियों, हम आपको ले चलते हैं कि किस प्रकार से यात्रा निकाली जाएगी, और ये गाड़ी हमारी देख सकते हैं आपकी, चार गाड़ियां जो चली थी कटक से मोइरांग तक, ये सब हमारे साथ बने हुए हैं, ये हमारे सारथी हैं, और किस प्रकार से देखिए पूरे साथियों में जोश है, उमंग है, उत्साह है। और ये जो एडिशनल एडवोकेट जनरल जी की गाड़ी है, जो यहाँ पे लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम एक गांव में करवाया था, उसके बाद ये सब कुछ संभव हो पाया है, और अभी जो यात्रा यहाँ से निकलेगी हम आपको उसके दर्शन करवा देना चाहते हैं, किस प्रकार से ये यात्रा निकलने वाली है यहाँ से, जो उत्साह, जो उमंग आपको देखने को मिलेगा
नेताजी के प्रति, नेताजी के सपनों के प्रति वो उत्साह हम आपको सीधे तौर पर दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मीडिया भी पूरी आई हुई है, जो लोकल यहाँ की मीडिया है, और पूरा कवर किया जा रहा है इस यात्रा को पूरा, और किस प्रकार से कि इसका उद्देश्य क्या है कि इस ये जो यात्रा यहाँ से निकाली गई है इसका उद्देश्य मीडिया वालों को बताया जा रहा है कि क्यों हमें आज इस समय पे, जबकि आज़ादी, तथाकथित आज़ादी हमें मिले हुए 72, एक बार वीडियो बनाना 72। देखिए हमारे साथी हिमांशु तिवारी जी, और ये हमारे धन्यवाद गौरव भाई, हमारे गौरव भाई बहुत अच्छा बिगुल बजा लेते हैं, ये लगभग लगभग ऑलराउंडर ही मैं मान सकते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र हो, जहाँ बैंबू का देखिए किस प्रकार से बिना बिगुल के ही जो आवाज़ बिगुल से, जो ध्वनि, जो वाद बिगुल से निकलता है, वो इन्होंने इस छोटे से बैंबू से, बैंबू की लकड़ी से निकाल दिया है। यही तो कला है, यही हमारे भारतीयों की पहचान है, किस प्रकार से कि नवयुवक जो बालक हैं वो किस प्रकार से एक छोटी सी चीज़ से कलात्मक एक कार्य कर देते हैं, ये आपको सिर्फ भारत में ही मिल सकता है। और ये हम आपको दिखा देते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, अरे कितने गाड़ियां हैं, 6-7 गाड़ियां हमारे साथ हैं लगभग लगभग, और सभी साथी यहां से जाएँ। ये आदित्य हैं हमारे, आदित्य भाई बनारस से जो आए हुए हैं, जगह जगह से लोग आए हुए हैं, चाहे वो पंजाब हो, यूपी हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, और ईस्ट यूपी हो, वेस्ट यूपी हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, असम से हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हैं, और अभी चाहे आप मणिपुर की बात करें, कि नेताजी सिर्फ एक क्षेत्र तक ही बाध्य नहीं रहे हैं, सिर्फ एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहे हैं सिर्फ, और उसके बाद अगर कहा जाए तो सिर्फ भारत देश तक ही वो सीमित नहीं रहे हैं। ये हमारे सॉलिसिटर जनरल जी हैं जो इस कार्यक्रम में पूरा हिस्सा ले रहे हैं और अपनी भागीदारी इसमें दे रहे हैं, नेताजी के सपनों को पूरा करने का जो संकल्प ऑल इंडिया नेताजी संग्रामी मंच ने देखा है उसके साथ चलने का इन्होंने भी संकल्प लिया है और उसका पूरा साथ ही दे रहे हैं। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त इनका मैं करता हूँ। तो ये सब कुछ रहता है यहाँ पे, और किस प्रकार से यात्रा अभी चलने को तैयार है। मोइरांग यहाँ से इम्फाल से लगभग लगभग 50 किलोमीटर के नज़दीक पड़ता है, और सड़क जैसे हमें बताया गया कि यहाँ से मोइरांग तक की सड़क साफ है, मतलब अच्छी है, कम से कम 1.5 घंटा हमें यहाँ से लगने वाला है। उस प्रकार से नहीं होगा जैसे दीमापुर से हम चल करके कोहिमा आए थे और उसके बाद इम्फाल में हम पहुँचे थे, बहुत रास्ता ख़राब था, बहुत समय लग गया, अगर 100-150 किलोमीटर के लिए हमें 5-6 घंटे व्यतीत करने पड़े, इतना ज़्यादा ये रास्ता ख़राब था। और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, होप ऐसी रखते हैं कि यहाँ की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या राज्य सरकारें हैं, हम आशा रखते हैं कि ये जो रोड हैं जो राजधानी को जोड़ते हैं एक राज्य की, और ये इतना समृद्ध जो ये प्रांत है उसको अन्य भारत से जोड़ने के लिए जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है, जो रोड का एक रास्ता है, वो सुगम और बेहतर बनाया जाएगा यहाँ के लोकल निवासियों के लिए और अलग जो भारतीय हैं उनके लिए, ताकि यहाँ पर आना जाना सुगम हो सके, अच्छा हो सके, ताकि जो कार्य हैं वो और अच्छे से चल सकें, और विकास का जो रास्ता है, विकास की जो गति है वो भी और बढ़ सके और तेज़ी से वो कार्यक्रम वो चल सके। चलिए साथियों, इसके साथ मैं विदा लेता हूँ, जब यात्रा निकलेगी तो उसके बाद दूसरा हम वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे किस प्रकार से यात्रा निकलेगी, और गाड़ियों पे आप देख सकते हैं कि नेताजी आज़ाद हिंद सरकार की जो स्थापना नेताजी ने की थी उसके झंडे भी लगे हुए हैं गाड़ियों पे। चलिए साथियों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, विदा लेता हूँ इसी के साथ।